हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिजाइन पर। मैं आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लंबाई देखी 13.5 इंच रखा है, चौड़ाई इसकी 10 इंच, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच, आर्म होल की भी 5.5 इंच रखे हैं। गले की चौड़ाई में इसके 2.5 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं, नीचे की साइड से 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लेंथ में 10.5 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीप नेक चाहिए उतना मार्किंग कर सकते हैं। अब गले की यहाँ से डिजाइन का मार्क कर लेंगे। मैंने डिजाइन का मार्किंग इसकी कर दी है, सेम कटिंग कर देंगे। गले भी मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का किया है। आप दोनों को एक दूसरे के बराबर बिल्कुल फैला लीजिएगा और गले की इसकी स्टिचिंग करेंगे अस्तर कपड़े को बिल्कुल मिलाते हुए। देखिए मैं कैसे गले को ज्वाइंट कर रही हूँ दोनों को स्टिच करते हुए। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ पे अटैच कर दीजिएगा गले को स्टिच करते हुए। ठीक, कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से ये प्रॉफिट रहता है जब गले को आप पलट कर सीधा करेंगे तो डिजाइन एंड शेप साइज इक्वल ही आएगा, दोनों इक्वल ही आएंगे। इसलिए मैंने कट लगा लिए छोटी छोटी। इसमें इसको ये पलट कर देखिए सीधा कर दिए। इसके ऊपर से एक सिलाई आपको लगानी है फिनिशिंग की, इसे गले की डिजाइन उभर कर दिखने लगेगी। तो मैंने कम्प्लीटली इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दी है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। मैंने दोनों को एक दूसरे के साथ में अटैच कर दिया है कम्प्लीटली। अब नीचे की साइड इसके टक्स लगा देंगे बराबर में फोल्ड करते हुए। एक साइड से टक्स लगा लिए, इसी तरीके से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड से भी टक्स को स्टिच कर देंगे। ये दोनों साइड से मैंने टक्स को इस पर बना दिया। अब नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने पट्टी कट किया इस तरह की, इसको नीचे की साइड बिल्कुल बराबर रखते हुए अटैच कर देंगे। तो मैंने देखिए पट्टी को बिल्कुल बराबर रखते हुए ब्लाउज के साथ में अटैच कर दी। इसको फैला देंगे, इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। ये फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। जो पट्टी ज्वाइंट है इसको डबल फोल्ड आपको करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर देना है और नीचे का बॉर्डर इसी तरीके से फोल्ड करते हुए बनाते हुए स्टिच कर लेना है। तो मैंने इस सिलाई लगाते हुए नीचे का बॉर्डर कम्प्लीटली बना दिया है। अब इसके गले भी डिजाइन करेंगे। तो ब्लाउज को साइड रखते हैं और मैंने डिजाइन बनाने के लिए देखिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किया। इनकी लंबाई चौड़ाई 2.5-2.5 इंच रखे हैं। उनको देखिए 4 पार्ट क्रॉसिंग में आपको फोल्ड करना है। फिर नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए डिजाइन को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से मैं इसके सारे डिजाइन बनाऊंगी। आप वीडियो में देखिए समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही कुछ डिज़ाइन आपको बना के दिखाया उसी तरीके से मैंने ये पूरे डिज़ाइनों को बना दिया है। कम्प्लीटली बन चुके हैं। इनके थ्रेड को कट करते हुए सबको अलग अलग कर देंगे और फिर मैं इनसे डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगी। तो पहले चलिए इनको जो डिज़ाइन बनाए हैं इनको साइड रखते हैं और ब्लाउज लेंगे और डिज़ाइन जो भी बनाए थे उनको भी ले लेते हैं। उनको गले पर अटैच करना है। तो क्लियर वीडियो में देखिए पहले 20 सिलेंगे, इससे दोनों साइड से डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। अब देखिए मैं अटैच कैसे कर रही हूँ। एक दूसरे के ऊपर डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर में होने चाहिए, गैपिंग भी नहीं रखना है। ऐसे ही पूरे डिज़ाइनों को अटैच कर देंगे गले पे। एक साइड से मैंने डिज़ाइन को स्टिच कर लिया, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बराबर रखते हुए पूरे डिज़ाइनों को गले पर अटैच कर देंगे। ये देख लीजिए ये भी डिज़ाइन कम्प्लीटली पूरे गले पे अच्छे से स्टिच कर लिया है मैंने। अभी इसकी डेकोरेशन करने के लिए एक लेस लिए, लेस को गले से 1/2 इंच की गैपिंग रखते हुए फिर अटैच करेंगे और यहाँ से वी शेप जहाँ से वहाँ से अच्छे से लेस को भी फोल्ड करके शेप दे दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली गले पे लेस की डेकोरेशन कर दिया है। अब ब्लाउज साइड रखेंगे और डिज़ाइन करने के लिए एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई जो है 2.5-2.5 इंच के बराबर में है।
पट्टी थोड़ी मैंने लंबी रखी, इसको डबल फोल्ड करके पहले सिलाई लगा कि दोनों पार्ट को दूसरे के साथ में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखी कम्प्लीटली पूरे अच्छे से डिज़ाइन को स्टिच कर लिए। इसको पलट कर सीधा करेंगे, तो एक साइड से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से पलट कर सीधा कर लेंगे। जो मैंने ये पट्टी बनाई थी इसको अच्छे से सीधा कर लिया, इसको हाथों से बराबर में प्रेस कर देंगे, इसमें इक्वली बराबर में आ जाएगा और डिज़ाइन करने में ईजी रहेगा। अब जहाँ से सिलाई लगाए थे उसी साइड से बिल्कुल मैं इसको सिलाई लगाते हुए दोबारा इसका फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, थोड़े थोड़े फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए छोटे छोटे फ्रिल आपको बनाने हैं। इसमें ज़्यादा बड़े वाले फ्रिल मत बनाइएगा, छोटे छोटे फैब्रिक में देखिए छोटा छोटा चुन्नट लगाते हुए फिर इसको स्टिच कीजिएगा। ऐसे पूरा कम्प्लीटली ये बना लिया है, देखिए बन चुकी है। इसकी डेकोरेशन करेंगे तो लेस ले लेते हैं और लेस को इसके ऊपर बिल्कुल रखते हुए बराबर में अटैच कर देंगे। अच्छे से लेस को भी स्टिच कर लीजिएगा इसके साथ में ही। तो मैंने एक साइड से देखिए पूरा लेस को स्टिच कर दिया है। अब जो ये डिजाइन बनाए हैं इसको दो पार्ट में कर लेंगे, तो कटिंग करके दो पार्ट कर देते हैं। ये देखिए डिजाइन बन चुकी है, इसको पहले मैं साइड रखूंगी और एक मैंने पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, 1.5 इंच के बराबर में। इसको दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद बीच बराबर मैंने ये फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है साइड से। ऐसे पूरा एंड तक इसकी स्टिचिंग कर लेंगे डिज़ाइन बना के फोल्ड करते हुए। तो एक साइड से स्टिच कर लिया, दूसरी साइड से पूरा सिलाई लगा लीजिएगा। अब इसको जो है कट करेंगे, तो इसकी लंबाई ले लेते हैं, तो 1.7 इंच की लेंथ लेंगे और इसको बराबर में फोल्ड कर देंगे और इसको दोनों साइड से कटिंग करके अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये लुप्स को अच्छे से कटिंग कर दी है, जो इसको साइड रख के और मैंने डिज़ाइन ले लिया है। डिज़ाइन को पहले बीच से फोल्ड करेंगे और एक मार्क कर देंगे, इससे मिड पॉइंट पता चल जाएगा। अब डिज़ाइनों जो ये मैंने लुप्स बनाए हैं इनको स्टिच करने में ईजी रहेगा। तो अब देख लीजिए लुप्स को कैसे अटैच कर रहे हैं, इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके नीचे से बिल्कुल बराबर रख के अटैच कर देंगे। एक साइड से चार लुप्स अटैच करनी है, थी मैंने अटैच कर लिए। दूसरी भी सेम बना देंगे। दोनों बनाने के बाद ये डोरी लिए हैं, डोरी को इसमें देखिए पहले एक दूसरे में डाल लेंगे, फिर इस तरीके से एक दूसरे को मिलाते हुए डोरी को डाल लेंगे, इससे एक दूसरे के साथ में डिज़ाइन ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसके दोनों साइड से फ्लावर बनाएंगे, तो इसको साइड रखेंगे और ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच के बराबर में इनको जो है क्रॉसिंग में पहले फोल्ड करेंगे, फिर इसके नीचे की साइड से लेस लगाते हुए इसकी डेकोरेशन कर देंगे। जी देख लीजिए मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है, एक्स्ट्रा लेस कट करके निकाल देंगे, दूसरा भी सेम बना देंगे। अब मैंने डिज़ाइन लिया, डिज़ाइन के साइड से डोरी के बिल्कुल कॉर्नर से इस फ्लावर को अटैच कर लेंगे। तो अटैच हो चुका है, एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक कट करके निकाल के इसको पलट कर सीधा करेंगे, दूसरा भी सेम ऐसे बना देंगे डोरी के कॉर्नर से। अब इसको यहाँ से बढ़िया से बांध लीजिएगा। ये डिज़ाइन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अभी डिज़ाइन जो है ब्लाउज के साथ में अटैच करनी है, तो ब्लाउज लेंगे और इसको अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में। दोनों को बिल्कुल बराबर रख लीजिएगा और अगर आप चाहें तो पिन कर दीजिएगा, इससे ईजी रहेगा स्टिच करने में। तो मैंने देखिए इसको अच्छे से बराबर रखते हुए पिन कर लिया है। अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। तो ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।